तो शुरू में ऐसा लग रहा था कि चुनाव में कोई टक्कर ही नहीं है और बी, बीजेपी को वाक ओवर मिलने वाला है ये 400 पार का जो नारा था ये नारा बीजेपी के लिए जा, गले की हड्डी बन गया पहली बार इस चुनाव में मुझको ये लग रहा है कि जनता मुद्दों की बात कर रही है और मुद्दों को लेकर जाग रही है पहली बार जनता में बेरोजगारी एक मुद्दा बना है महंगाई मुद्दा बना है अग्निवीर मुद्दा बना है महंगाई मुद्दा बना है जब देश का प्रधानमंत्री मछली की बात करे मंच से बटन की बात करे मंच से वो इतने जिम्मेदार पद पर बैठने के बाद इस तरह की बात करें कांग्रेस पार्टी के लिए कांग्रेस पार्टी अब सत्ता में आ गई तो आपके गले से मंगल सूत्र छीन लेगी और जनता ने एक बार इन नेताओं को इन राजनेताओं को बताया है कि आप मुद्दों की बात करिए आप महंगाई की बात करिए बेरोजगारी की बात करिए आप हमारी समस्याओं की बात करिए राम मंदिर को मुद्दा बनाना की कोशिश इन्होंने पूरी करी लेकिन राम मंदिर जब मुद्दा नहीं बना इनका तो इन्होंने और मुद्दे उछालने शुरू करे इस चुनावों में सबसे बड़ा मुद्दा जो बना तो वो बना बीजेपी ने जो 400 पार का नारा दिया अग्निवीर योजना वो हमारे गोवर्धन के आसपास के गांवों में बहुत बड़ा मुद्दा बनी क्योंकि हमारे यहाँ जाट बाउल क्षेत्र है और हर घर में से करीब करीब एक व्यक्ति एक बच्चा सरकारी वो फौज में जाता है हम लोग बीफ के सबसे बड़े एक्सपोर्टर हैं इस समय और बीजेपी के आने के बाद बीफ का एक्सपोर्ट शायद चार या पांच गुना बढ़ गया है नमस्कार मैं अमित कालखंड में आप सभी का स्वागत है आइए करते हैं चाय पे चुनावी चर्चा दो राउंड घूम चुके हैं चुनाव को लेकर और हम जो है जी गोवर्धन धाम में मथुरा नगरी में और चुनाव को लेकर क्या कुछ माहौल बन रहा है योगी जी और मोदी जी ने कहा इस बार 400 पार तो क्या कुछ है पब्लिक ओपिनियन हमारे साथ यहाँ के जो हैं प्रतिष्ठित व्यक्ति समाज से भी कांग्रेस पार्टी से भी जुड़े हुए हैं डॉक्टर राजीव जी जिनसे भी हम जान सकते हैं इनसे जानते हैं जानकारी लेते हैं क्या कुछ चल रहा है आज के युग के चुनाव में जी डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका स्वागत है चुनावी चर्चा माहौल में आप क्या कुछ कहेंगे दो राउंड चुनाव का हो चुका है और क्या किधर ओपिनियन कहाँ कुछ चल रही है नमस्कार नमस्ते देखिए चुनावों का जिस तरह से माहौल तैयार किया गया तो शुरू में ऐसा लग रहा था कि चुनाव में कोई टक्कर ही नहीं है और बी बीजेपी को वाक ओवर मिलने वाला है लेकिन जिस तरह से दो राउंड का चुनाव हुआ है और जिस तरह के दो राउंड के चुनावों में बीजेपी को टक्कर मिली है और जिस तरह से लग रहा है कि बीजेपी ज़्यादातर सीटों पर हार रही है उससे मुझको ये लग रहा है कि चुनाव की सब रूपरेखा और भविष्य बदल गया है ये 400 पार का जो नारा था ये नारा बीजेपी के लिए जा गले की हड्डी बन गया क्या बात है चार सौ पार का नारा स्वयं बीजेपी की गले की हड्डी बन चुका है इन्होंने बताया है और क्या कुछ कहेंगे इन सब राजनीति बातों को लेकर किस ओर चुनाव जाता आपको नजर आता है देखिए मैं समझता हूँ देश की जनता बहुत जागरूक है और पहली बार इस चुनाव में मुझको ये लग रहा है कि जनता मुद्दों की बात कर रही है और मुद्दों को लेकर जाग रही है पहली बार जनता में बेरोजगारी एक मुद्दा बना है महंगाई मुद्दा बना है अग्निवीर मुद्दा बना है महंगाई मुद्दा बना है पहली बार सबसे ज़्यादा युवा वर्ग जो है वो अपनी नौकरी को लेकर पीड़ित है जनता जाग रही है मुद्दे जागरूक हैं युवा वर्ग बेरोजगार है और बहुत सारी चीज़ें सामने आपके आ चुकी हैं आप देखिएगा और बने रहिए हमारे चैनल पर बाकी और तमाम खबरें देखने की जी डॉक्टर साहब बताइए देखिए इस चुनाव की भी बात करूं तो इस चुनाव में राजनीतिक दलों ने या विशेषकर सत्ताधारी दल ने तो इस चुनाव को निम्नतम स्तर पर पहुंचाने में कोई कमी नहीं रखी जब देश का प्रधानमंत्री मछली की बात करें मंच से मटन की बात करें मंच से वो इतने जिम्मेदार पद पर बैठने के बाद इस तरह की बात करें कांग्रेस पार्टी के लिए कांग्रेस पार्टी अब सत्ता में आ गई तो आपके गले से मंगल छीन लेगी इस तरह की बात जब प्रधानमंत्री मत से कर रहे हैं और जिस तरह से लोगों का चरित्रन किया जा रहा था तो मुझको ये लग रहा था कि चुनाव बहुत नीचे जाएगा लेकिन इस जनता ने इस चुनाव को नीचे गिरने नहीं दिया ये मैं इस देश की जनता का धन्यवाद करूंगा देश की जनता के विवेक को सलाम करूंगा कि जनता ने इस चुनाव को गिरने नहीं दिया जनता इस चुनाव को फिर ऊपर लेके आई है और जनता ने एक बार इन नेताओं को इन राजनेताओं को बताया है कि आप मुद्दों की बात करिए आप महंगाई की बात करिए बेरोज़गारी की बात करिए आप हमारी समस्याओं की बात करिए और जनता ने एक बार इन नेताओं को इन राजनेताओं को बताया है कि आप मुद्दों की बात करिए आप महंगाई की बात करिए बेरोजगारी की बात करिए आप हमारी समस्याओं की बात करिए बेटा मथुरा की बारी लाते हैं ये बार बार कृष्ण की बारी बताते हैं तो ये सब राजनीतिक मुद्दे में ही क्या इस पार्टी के लिए है देखिए सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि राम हमारी भी आराध है आपके भी आराध्य है और इस पूरे देश के आराध्य है हम गोवर्धन में रहते हैं और गोवर्धन की बहुत ही मिली संस्कृति आपने भी देखा है यहाँ के अधिकांश हमारे मुस्लिम भाई जब दान घाटी के सामने से निकलते हैं तो मंदिर पे सर झुका के जाते हैं बहुत से मुस्लिम भाई परिक्रमा भी लगाते हैं तो हमारी मिली जुली संस्कृति है राम मुसलमानों के भी आराध्य हैं इस देश के हर व्यक्ति की आराध है राम मंदिर को मुद्दा बनाना की कोशिश इन्होंने पूरी करी लेकिन राम मंदिर जब मुद्दा नहीं बना इनका तो इन्होंने और मुद्दे उछालने शुरू करे फिर ये मछली को लेके आए फिर ये मटन को लेके आए फिर ये मंगल सूत्र को लेके आए फिर मंच से प्रधानमंत्री ने ये कह दिया कि अगर कांग्रेस सत्ता में आ गई तो पूरा सब कुछ आपकी संपत्ति मुसलमानों को बंटवा देगी इतने जिम्मेदार पद पर बैठा व्यक्ति इस तरह की बात करे कि मुसलमानों को बंटा दी जाएगी भाई मुसलमान भी इस देश का नागरिक है उनके लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना ये किस प्रधानमंत्री के लिए या किस राज्य के नेता के लिए उपयुक्त है दूसरी बात मैं ये कहूंगा आप आप सवाल करेंगे इन चुनावों में मुद्दे क्या क्या बने इस चुनावों में सबसे बड़ा मुद्दा जो बना तो वो बना बीजेपी ने जो 400 पार का नारा दिया उससे जनता सशंकित हो गई जनता डर गई कि 400 सौ पार ये क्यों चाह रहे हैं इन लोगों ने नारा दिया कि 400 पार हम पा इसलिए चाहते हैं कि हम संविधान में परिवर्तन करेंगे तो हमारे देश की की जनता आज भी संविधान का सम्मान करती है वो ये जाती जानती है कि हमको जो कुछ भी अधिकार मिले वो संविधान ने दिए हैं मुझको आज वोटिंग के अधिकार है तो संविधान ने दिया है मैं आपके सामने अगर चर्चा कर रहा हूँ संविधान ने दिया है मेरा बच्चा पढ़ लिख रहा है तो वो संविधान ने दिया है तो लोगों में ये डर फैल गया कि संविधान को बदलेंगे तो पता नहीं क्या संविधान लाएंगे तो एक तो चार पार का नारा जो होता वो मुद्दा बना आखिरकार 400 पार का नारा मुद्दा क्यों बना कि संविधान को बदल देंगे लोगों की सोच में ये आ गया आखिर जनता ने सोचा कि इस बार अगर मोदी सरकार 400 पार जाती है तो संविधान ही बदल डालेगी लोगों में भय व्याप्त हो गया इस चीज को लेकर डॉक्टर साहब ने कहा अभी हमसे और डॉक्टर साहब क्या कुछ कहेंगे दूसरा जो युवाओं में जो सबसे बड़ा मुद्दा बना वो बेरोजगारी था और अग्निवीर योजना वो हमारे गोवर्धन के आसपास के गांवों में बहुत बड़ा मुद्दा बनिए क्योंकि हमारे यहाँ जाट बाहुल क्षेत्र है और हर घर में से करीब करीब एक व्यक्ति एक बच्चा सरकारी वो फौज में जाता है या पुलिस में जाता है तो ये बहुत बड़ा एक मुद्दा बना लोगों ने ये कहा कि भाई इन्हों तो हमारा रोज़गार ही खत्म कर दिया हम चार साल जाएंगे नौकरी करने रहे चार साल हम लोग फिर सड़क पे आ जाएंगे तो बुजुर्ग कह रहे हैं भाई हमारे तो लड़कों की शादी नहीं होगी जब तक तो लड़के की शादी की उम्र होगी वो अठारह साल का जाएगा उन्नीस साल का तेईस साल का बारह आ जाएगा शादी कौन करेगा तो अग्निवीर बहुत बड़ा मुद्दा बना दूसरा कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र में कई अपने क्रांतिकारी वादे किए जैसे हम प्रत्येक गरीब महिला को एक लाख रुपये देंगे हर बेरोजगार युवक को एक लाख रुपये साल देंगे श्रमिकों को चार सौ रुपये महीना हम कम से कम चार सौ रुपये रोज हम भत्ता देंगे श्रमिकों को 25 लाख रुपए तक का बीमा दिया जाएगा उन योजनाओं का भी लोगों के दिमाग पे असर पड़ा है और लोगों ने ये कहा कि हम लोग इस बार पॉजिटिव मतदान करेंगे नेगेटिव मतदान नहीं करेंगे इस बार आप भी देख रहे हो जो जो मतदान हो रहा है वो पॉजिटिव हो रहा है नेगेटिव नहीं नहीं हो रहा लोगों की बेपर चले तो मतदान हम पॉजिटिव करेंगे आखिर कही कहीं कहीं ना इसका दुष्प्रभाव बीजेपी को शायद देखने को मिल सकता है कि उन्होंने कि उन्होंने आवेश में कहा 400 पार इस बार मोदी सरकार या इसका इफेक्ट तो आने वाली ही तारीख को पता लगेगा दूसरा मुद्दा अगर मैं बात करूँ तो कुछ साधु संतों ने गौ माता को भी राष्ट्रमाता बनाने के लिए कुछ बात कही है कि गौ माता हमारी राष्ट्रमाता होनी चाहिए और इन लोगों ने जो है गौ कटन की बात भी की कई जगह कट्टी खाने भी हैं इसके गो के नहीं देखिए राजनीतिक माता को इन्होंने जो है दर्जा पशु का दे रखा है जबकि गौ माता आपकी बात बिल्कुल ठीक है गौ माता हम लोग बीफ के सबसे बड़े एक्सपोर्टर हैं इस समय और बीजेपी के आने के बाद बीफ का एक्सपोर्ट शायद चार या पाँच गुना बढ़ गया है और यूपी में ही कई कत्ल खाने हैं इसके गाय के बीफ के और मांस के मेरा कहने का मतलब ये है आदि शंकराचार्य जी महाराज जो है अविमुक्तेश्वर जी ने भी जो इस पर एक आवाज उठाई थी अभी एक गोवर्धन परिक्रमा की दिल्ली तक पैदल यात्रा भी की इस विषय में तो क्या कुछ नहीं देखिए मतलब गाय को हम गाय हमारी माता है इसमें कोई दो दु, दो मत नहीं है हर हिंदू गाय का सम्मान करता है गाय को मानता है गाय को माता मानने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम गाय को माता मान लें और उसको चुनावी मुद्दा बना लें गायों की बेकदरी हो रही है गाय सड़कों पे घूम रही है उनको खाने को नहीं मिल रहा उनको पीने को नहीं मिल रहा गौशालाएं में गाय है उनकी प्रॉपर व्यवस्था नहीं है तो फिर सरकार क्या करेगी सरकार को उनकी व्यवस्था तो करनी पड़ेगी ना ये भी जनता देख रही है कि आप हम गौ को माता मानते हैं और फिर गौ माता सड़कों पर घूम रही है माँ को सड़कों पर तो नहीं छोड़ते हम हिंदू धर्म तो हमारी संस्कृति तो है नहीं कि माँ बूढ़ी को जब सड़कों पर छोड़ते अभी माहौल में हिंदू राष्ट्र घोषित करने की भी बात आती है तो ये सब क्या मुद्दे हैं देखिए हिंदू राष्ट्र तो ये है ही हिंदू बाहुल क्षेत्र है हिंदू बाहुल राष्ट्र है ये अस्सी परसेंट ये हिंदू हैं और हिंदू राष्ट्र है ही उसको सिर्फ हिंदू राष्ट्र की घोषणा करना इससे कुछ नहीं होना बाकी अभी कुछ देर पहले आपने मुझसे कहा था कि साहब इन्होंने राम को मुद्दा बनाया अब कृष्ण को मुद्दा बना रहे हैं तो कृष्ण का मुद्दा इनके परवान नहीं चढ़ा इन्होंने बहुत कोशिश कर ली यहाँ गरमाने की लेकिन ये मुद्दा गरमाया नहीं अगर ये मुद्दा गरमाया होता तो उनचास परसेंट वोटिंग यहाँ की नहीं होती और हेमा मालली जी को अपनी जीत के लाले नहीं पड़े होते यहाँ की संस्कृति में हमारी संस्कृति रसखान वाली है यहाँ रसखान रहे हैं मथुरा की भूमि पे रसखान थे जो भगवान कृष्ण के पूजक थे मुसलमान होने के बाद भी हमारी संस्कृति कबीर वाली है हमारी संस्कृति रहीम वाली है हमारी संस्कृति औरंगजेब वाली नहीं है हमारी संस्कृति हिस्सा की नहीं है इसलिए मथुरा में एक इन्होंने कई बार कोशिश करी कि ये मथुरा में राम कृष्ण के मंदिर के मुद्दे को उछालें और गरमाएं लेकिन ये मुद्दा कभी गरमाया नहीं और आप लिख के रख लीजिए कभी गरमाएगा भी नहीं क्योंकि हम लोग भगवान कृष्ण के उपासक हैं हम लोगों की ये संस्कृति नहीं है कि हम लोग दंगे प्रसाद करें दूसरा बहुत भव्य मंदिर जहाँ ऑलरेडी है ही कृष्ण जन्माष्टमी का बहुत अच्छा भव्य मंदिर बना हुआ है तो इस तो ऐसी कोई आवश्यकता भी नहीं है कि जरूरी हम मस्जिद को तोड़ के और में मंदिर बनाए तो काफी सारी चुनावी चर्चाएं आप सब लोगों के बीच हो चुके हैं आपने सब कुछ सुना है इस माध्यम से तो किस ओर जाता नजर आ रहा है आपको चुनाव? देखिए तो मेरा मेरा मानना ये है कि बीजेपी की तो इस बार विधाई निश्चित है इनको बहुमत नहीं मिलेगा और बीजेपी 200 सीटों के आसपास निपट जाएगी और इंडिया कुल मिला के बाकी इनके पास कोई बहुत बड़ा घटक दल नहीं है जैसे इंडिया में कई भट्टे बड़े घटक दल हैं जो अपने बलबूते पंद्रह पंद्रह बीस बीस सीट लेके आएंगे, जैसे आपका डीएमके के है डीएमके अपने बलबूते पच्चीस तीस सीट लाएगा शरद पवार है वो अपने बलबूते पंद्रह बीस सीट लाएंगे शिवसेना पंद्रह बीस सीट लाएगी तो कांग्रेस के पास तो कई भट्टे इंडिया में तो कई बड़े घटक दल हैं आपका ज यहाँ पर आरजेडी जे डी है बिहार में कम से कम बीस सीट वाले तीस सीटों पे लड़ रहे हैं इनके पास सिर्फ दो दल ऐसे हैं जो थोड़ा बहुत सीट ला सकते हैं एक तो डी एक तो इनका टीडीपी से हुआ है तो वो शायद आ, टी डी दस या पाँच सीट ले आए बाकी कोई ऐसा बड़ा घटक दल इनके पास है नहीं तो जितनी सीट लानी ला है वो बीजेपी को लानी है बीजेपी अपने बलबूते दो से के आसपास से बढ़ जाएगी एन डी और इंडिया जो है वो लगभग लगभग बहुमत के आसपास आ जाएगा और सरकार इंडिया की दिखते है इस बार वो तो समय बताएगा कि सरकार इंडिया की होगी या मोदी की और आने वाले तारीख को कौन पब्लिक की ओपिनियन का के क्या कहेगी किसके सर पे होगा ताज किसको खानी होगी मुकी बने रही हमारे चैनल कालखंड पर धन्यवाद